चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मारे पास गोली छाती में लगा की मारे पास कमर में गोली लगेगी, ये भी आप मन मत निकाल दियो। कैद कर देंगे अगर किसी की गाड़ी पर भी कमल के फूल का झंडा दिख गया। कप्तान साहब यहाँ आपकी नहीं चलेगी, आप यहाँ मारी चलेगी। या इस प्रदेश में शुरुआत होगी, ये अपने मन मत है, ये बहम निकाल दो। मैं फिर भी कह रहा, हम किस हद तक गुजर जाएंगे वो आपको यकीन भी नहीं आने का। कप्तान साहब, डीएम साहब, हम हमेशा, हमने भी आपके साथ बातचीत करी, कोई भी काम हमने गलत काम की हमने सिफारिश नहीं करी, हमने प्रतिज्ञा कर रखी, सही काम को प्राथमिकता दो। मैं फिर भी आप लोगों को यह कहूं, आप लोग राजनीति दबाव में कोई काम ना करो, आप लोग कर रहे या सबसे बड़ी आप लोगों की बेइज्जती लग रही है। और हम आप लोगों का सम्मान चाह, आप लोगों की इज्जत चाह, आप उन्हें कहो, कोई भी आदमी हो, हमें कोई फरेज नहीं कहने थे, नाम किसी का कमजोर है। हम यह चाह रहे आप राजनीति में थोड़ा सा वो कर लो, ज्यादा ना करे करो, आप लोग ज्यादा कर रहे काम। आप लोगों को मैं बता दूंगा, आप लोग हम ही भर लोगे, हाँ इस तरह की बात हो रही, हम क्या करें, इस जनता के साथ में इतने उल्टे सुधे काम हो रहे, ऐसा कहना तो पड़ेगा भाई। ऐसा जी हजारों हाथ मारे उसमें हजारों हाथ उठे तो दो हाथ हम भी ठा देंगे, मैं क्या कुछ ऐसी बात है। और आप लोगों को नाश करवाना तो उन्हें कहो, नुको भाई वे भी शरीक होंगे नाश में, जी भी इस जिले का नाश करवाना तो पूरे देश का ही नाश हो जाएगा जी। कोई कुछ नहीं बात, अरे थम जा, आप लोग हमने कह दिया अच्छे व्यवहार तक बात करो, अगर जबरदस्ती करोगे जोन से गेट को कहोगे हम उस पर ट्रैक्टर पर बैठ कर उसी गेट को तोड़ेंगे। हम मारे पे गोली छाती में लगेगी, मारे पे कमर में गोली लगेगी, ये भी आप मन मत निकाल दियो। हम फिर भी आई कहे, हमें पूरी, अरे थम जा, हम पूरी सूझबूझ थे, पूरे होश हवास थे, कोई वो नहीं है ना, हमारे पास कोई दबाव है किसी किस्म का। कप्तान साहब, अगर आप लोग किसी एक आदमी के दो आदमी के कहने पर रिपोर्ट दर्ज होती हो थाने में, वे मन में निकाल दो बात, जो सही बात है सही की रिपोर्ट करो, जितने भी थाना अध्यक्ष है उन्हें ऑर्डर दो को भाई सही काम की करो, जो कोई गलत रिपोर्ट करो हमें बताओ ना, हम देखेंगे उसे, चाहे उनका कोई भी वो है, वो कितना भी बड़ा हो, हमें किसी का ना नाम ले रहा था फरेज है ना कुछ है, हमारे सभी आदमी है, हम सबका सम्मान करें। कैद कर देंगे यही कैद, मैं सुन तो लो, कैद कर देंगे अगर किसी की गाड़ी पर भी कमल के फूल का झंडा दिख गया। और अगर आप लोग वो करोगे और सम्मान उन्हें भी दो, सम्मान हमें भी दो। अरे थम जाओ, मैं समय को आगे कह रहा, मुझे ऐसा हमारे तो संबंध है, हमारे क्या कुछ ऐसी बात है, भाजपा वालों की ज्यादा चल रही। एक सुन लो कप्तान साहब, थम जाओ भाई, ज्यादा नहीं बदलने का, मैं कुछ नहीं, 5-5 बजे सारा पता। 2 साल पहले, हसन ना भाई, कोई मजाक की बात नहीं, 2 साल पहले कप्तान साहब शाहपुर थाने में 2 लड़कों का गोली मार दी थी, वो केस आज लोग खुला नहीं, किन्ने दबा रखा, वो उनकी दिल पर गोली लग रही,
और इस तरह था आप लोगों की जिम्मेदारी, हम आप लोग इतना रहोगे यहां से हम आप लोगों को आसान मान लेंगे। वो केस खुलना चाहे, दो लड़के जाट के किन्ने मारे में, ठीक है जी, दो लड़के दोनों का गोली लग रही किसके दबाव में केस नहीं खुल रहा, वो केस खुलना चाह, झूठी रिपोर्ट किसी की ना हो, किसी की झूठी अगर कोई किसी पर केस बने तो उसकी उसकी रिपोर्ट करो, के ना मोटा झगड़ा टिंटा हो जा, आप लोग जवाब दो। नुगो कहने अगर 307 में नहीं तो मन करने का कप्तान साहब यहाँ आपकी नहीं चलने की, आप यहाँ मारी चलेगी, नहीं नहीं सुन लो, मैं मुझे जो कुछ पीड़ा है मैं वह कह रहा, वह यहां से सामाजिक समझौते चले जी, सामाजिक समझौते चले, थोड़ी घनी राड़ा टिंटा हो जा, थाने में फीस पानी भी दे दे, उसे निपटा दे करो, नहीं ना उड़ जाओ ना लोगों को, इस सरकार में उलझ गया सब मामला, मारी इस सरकार में ज्यादा वानी हो रही बातचीत, हम टेम काट रहे, मारी परीक्षा ना लो, मारे साथ अच्छे व्यवहार तो बात कर लो। रही बिजली की बात, बिजली के बिल की मारी मुख्यमंत्री के साथ में बात हुई, बहुत बढ़िया बात हुई थी 2017 में, अच्छी वार्ता हुई, इन्हें पाएगा रास्ता, इन्हें रास्ता पाएगा, हमने कहा था जी 10,000 रुपये एक ट्वेल का बिल ले लो, किसानों को कुछ आमदनी हो जाएगी, थोड़े घने बढ़ाते रहियो, पंजाब में बिजली फ्री है, 382 रुपये का रेट है, कहां लोग चुप रहेंगे, तो नाश का तो बहुत इन्होंने जोड़ रखा, पर फिर भी मैं आप लोगों को यह कहूं, अपने खर्चे कम करके अपना टेम काट लो, कोई एक आधा किसान मर गया गोली था, पुलिस की गोली था, पहले तो उसे बर्फ पे टेकेंगे हम, देख लो कितना लंबा सांग भरा गया जाएगा थारा, उसे कई दिन तक तो बर्फ पे टेकेंगे, इतने पूरे भारत में नहीं सांग जुड़े, फिर उसका दाह संस्कार होगा, वो दाह संस्कार होगा जिसका आप लोगों को यकीन भी नहीं आने का, उसकी 50 लाख या 1 करोड़ रुपये उसकी मांग करेंगे, फिर तेरामी होगी उसके, नहीं उसके फूल लेके जाएंगे, फिर तेरामी होगी, और त्योहार का दिन है, मैं ज्यादा गलत नहीं बोल रहा, पर फिर भी मैं आप लोगों को कहूँ, आप लोग सम्मानित हो, हमारे अतिथि हो, हम आपका कोई वो नहीं करते, कोई बेइज्जती नहीं करते, पर ये थोड़ा सा व्यवहार ठीक रख लो, इन्हें जो थाना अध्यक्ष है इन्हें समझा दो, उनको ऐसी बात नहीं, या हमारे पर हाथ जुड़े वहां से, जैसा वही उसमें हुआ था पूर्व काजी में, क्यों कर दिया भाई, अरे कहना मोटा कह दिया होगा उसे कर दे करो, ये नहीं सब कहने में तो कुछ हर्जा नहीं, इन्हें जनता को भी तो भाई, ये जो झूठे मुकदमे है ना वापसी ले लो, अन्य डीएम साहब यू एक वो है, एक चुनौती आप लोगों की, एसएसपी मुजफ्फरनगर के यहां से वो या इबका डीएम ऑफिस पर भी हो जाएगा, इबका डी और नहीं, अरे सुन जाओ, ए ठीक बात होगी, कुछ महसूस हो किसी को वह साथी कह दियो, कदे फिर गाते फिरो के बाद उन्होंने कहे, मैं कोई वो नहीं करे भाई, जनता के हित की बात है, जनता के हित की बात है, जनता के हित की बात, अगर जनता की गलती भी है और आप लोगों की सही बात है तो हमें जनता की मात लेनी पड़ेगी जी, और जय हिंद जय भारत, बहुत अच्छा बा, कल को अपना त्योहार भी मनाओ।